नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बाल महाभारत कथा भाग दो देवव्रत पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर बताए गए हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न: राजा शांतनु का विवाह किस सुंदर युवती के साथ हुआ? राजा शांतनु का विवाह गंगा के साथ हुआ। प्रश्न: गंगा ने कितने पुत्रों को नदी में बहाया? उत्तर: गंगा ने 7 बालकों को नदी में बहाया। प्रश्न: राजा शांतनु के 8वें पुत्र का नाम क्या था? उत्तर: राजा शांतनु के 8वें पुत्र का नाम बचपन में देवव्रत था। देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जाने गए। प्रश्न: 8वें बालक को नदी में बहाने से रोकने पर गंगा ने क्या किया? उत्तर: 8वें बालक को बड़ा होने पर वापस करने का वचन देकर बच्चे को लेकर गंगा महल से चली गई। प्रश्न: देवव्रत को शिक्षा किसने दी? उत्तर: देवव्रत को शिक्षा महर्षि वशिष्ठ ने दी। प्रश्न: देवव्रत शस्त्र ज्ञान में कितने निपुण थे? उत्तर: देवव्रत के शस्त्र ज्ञान का मुकाबला शुक्राचार्य ही कर सकते थे। प्रश्न: देवव्रत के रण कौशल के बारे में बताएं। उत्तर: रण कौशल में देवव्रत का मुकाबला सिर्फ परशुराम ही कर सकते थे। देवव्रत कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। बाल महाभारत कथा भाग दो के प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। अगला भाग भीष्म प्रतिज्ञा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।